साथ आमी सूख जाए ना तो बहुत बढ़िया हो जाले है ना। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बानू के ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की ब्लॉगिंग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 बजे से, और मॉर्निंग में दीपा लग गई है आज काम पे सुबह, और सौरभ खेल रहा है सानू के साथ और गेम खेल रहा है। तो अभी मुझे निकलना है कहीं के लिए, तो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ और देखिए आज का व्यू। अभी मैं पहुंची अपने धारे पे और अम्मा जी अम्मा घिन घिन में पता ना अम्मा कभी पहुँचने लाज अम्मा का जर ला रो पर जान ला जरूरी छो ये ले जी लग रो बैठ अम्मा घिन में पहुँच गई हूँ रोड में। अभी रोड में ही पहुँची है क्योंकि उनसे चला नहीं जा रहा है ज़्यादा, थोड़ी सी आगे गई है अभी अम्मा मुझसे। ये जा रही है अम्मा और आगे से अम्मा के जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, अम्मा से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है, आराम आराम से लगी है अम्मा। देखो इस साल आम भी कितना आ रखा है, बहुत देखो आम पे बहुत सारे आ रखे हैं अम्मा। देखो तराड़ गांव यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो यहाँ के खेत भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये दिख रहा है हमारा घर यहाँ से, ठीक है अब आ गए हम, अम्मा जा रही है आगे से, पहुँच गए हम घर मतलब रोड पे, घर तो पास में ही है। अम्मा थक गए छे, ये देखो अम्मा को पता लग गया। गई हूँ मैं घर में और दिखाती हूँ कि सानू क्या कर रही है और दीपू क्या कर रही है। आज तो उन पर लोड हो गया होगा काम का सारा क्योंकि मैं सुबह कुछ भी करके नहीं गई थी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, शन्ना खेल लिए अम्मा के साथ, ये देखो शन्ना रोशन जो है हमारे घर में हो रहा है उछेड़ने का काम। दीपू कर रही है सफाई, आधे का सामान हमने बाहर रख दिया है आधा हम रख रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर का क्या हाल हो रखा है हमारा, आज सब अस्त व्यस्त हो रखा है। ये देखो सब अस्त व्यस्त हो रखा है सामान हमारा, और ये देखो ये भी है आसान भी कि आराम से खेल लिए यहाँ पे। ये देखो सामान सब फैला रखा है हम लोगों ने, ना ये बना रखा है हमने घोल उछेड़ने के लिए। ये देखो यहाँ से दीदी ने उछेड़ दिया है, काली दीवार उछेड़ रही है अब, बहुत काली हो रही है, दोबारा मार रहे हैं इसमें, ये काला काला ही सब दिख रहा है। यहाँ हम आग जलाते हैं ना इसलिए हो गया यहाँ पूरा काला। आप देख सकते हो कि दो दीवार तो मैंने कर लिए हैं पुताई, और ये देखो हाँ बंदा कितना रखे हैं गए ताऊ जी भी छोटो 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 कहने के लिए, और दीपो धो रही है यहाँ पे बर्तन ये देखो, और इसने गैस वैस भी धो दिया है यहाँ पे। चल रहा है इसका भी सफाई का काम जोरों से, अब मैं उछेड़ती हूँ अंदर और ताऊ जी आ गए निरीक्षण करने के लिए। जीजा और साले की मस्ती, ताऊ जी लोटा लेके जा रहे हैं सौरभ को भिगाने के लिए। ये देख रहे थे ताऊ जी तुम पान के लिए था सौरभ, ये देखो ताऊ जी को भिजा दिया सौरभ सिंह राव, ये देखो हो गई इनकी जी साले की मस्ती। दीपू कर रही है साथ में सफाई ये देखो, और सारा वो छेटने के बाद भी देखो धूल धुआं इतना होता है कि दीवार अभी भी काली काली लग रही है। ये देखो जब ये सूख जाएगा तब थोड़ा सा सफेद सफेद सा लगेगा, इसकी चल रही है मेहनत देखो घिस घिस के। अभी पता है इसने निरमे का पानी बनाया था, मैंने इसका जिस समय सफाई कर रही थी यहाँ पर छेट रही हूँ वो डाल दिया था उसमें, ये देखो
जल्दी है सफाई अच्छे से घीस घीस के, उसके बाद गैस रख देंगे, हल्का फुल्का बर्तन लगाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि खाना भी तो बनाना है दिन का। जैसे आप देख सकते होंगे कि मेरे चश्मे में भी जो है मिट्टी आ गई है छीटे जैसे, ये देखें आपके ये हो चुकी है हमारे पुताई पूरी, वो छीटने का काम ये कर दिया है पूरा, अंदर भी लिप दिया हमने, देखो अंदर भी लिप दिया है, ये हमने फूल भी डाल दिए। आज तो हमने बाहर के चूल्हे की भी जो है लिपाई कर दी है क्योंकि आज से हम सोच रहे हैं कि बाहर ही खाना बनाएंगे हम लोग। देखो कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा बिस्तर विस्तर रखना है अंदर। ये नहा धो के रेडी, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। या अगर रितुला भात वात खावे आगे चल भात खावे, हाँ बनमो ये देखो। दीपू तो क्या बना, मैं लगी बना रही है। अब तो जरा दीवार जरा इसे साफ साफ है तो बहुत बढ़िया है ना। अरे गेहूँ इकट्ठा करने के लिए, आज मैंने गेहूँ भी रखे थे सुखाने के लिए सुबह, तो अब जाती हूँ गेहूँ भी इकट्ठा करने हैं क्योंकि शाम को जो है पिसवाना भी है ना, जाती हूँ गेहूँ मैंने। तुम ये देखो यहाँ पे रखे हैं, ताई जी आ गई हैं, ये ताई गेहूँ यहाँ पे, ये देखो अंतदी कथा बार धारो दौड़। मैं पैप लगा रही हूँ और मैं वो अम्मा का इंतजार कर रही थी, ये अम्मा ला दिल आ गया। अब गेहूँ रखो, अब एक तो काम कर ली ये बने दोबारा लौटाई डरमोहन के लिए ज्यादा है वो कट्टा, ये देखो खट्टा करके यहाँ पे, और इस ड्रम को लेके जाती हूँ घर मैं सानू को छोड़ के अम्मा के पास। ये देखो इधर पे में दातू लाभ जामा हमारे टीम घासे हैं, ये देखो जाने लगे रास्ता से लागन बस का सब गुछ, देखो ऐसे करा और अब ऐसे लगाएं। ये बता रही है रितु कैसे लगा दे, ये देखो ये कर रहे हैं गोछिल खाल अपने, देखो करने लगे हैं खाली सब गोछिल खोन बस गया। प्राचील हनुमान जी गधा टाख्याल, ये देखो रितु लाग में गढ़े आने लग गए हैं घर के लिए। आज तो सब बाबा खुद उठामी, या हिटो रे हिटो, ये देखो जाने लग गए हम। देखो दीपू घास आगे नौ खाने दिखी मैं, पहुँचने वाले हैं घर, प्राची पहुँच जाएगी अब। प्राची पहुँच गई घर पर, ये देखो पहुँच गई घर, और ये दीदी पहुँच गए प्राची बाय। अब रितु भी पहुंच गई है अपने छानी में, छानी में धैर्य हाली नहीं लगा गढ़ा, आप जान रितु सो घासे हैं। यह पहुंच गए दीपुल आप घर की, यह देखो तुम खिचड़ी खाएगी। यहाँ पे जो है घास से आने के बाद मैं काटने लग गई अम्मा के साथ हल्दी, अम्मा ने रखा था उबाल के दो दिन से, अम्मा ने काटा नहीं था क्योंकि अम्मा को आ रहा था बुखार, तो मैंने सोचा मैं ही काट लेती हूँ अम्मा के साथ। और जो है मैंने पहली बार आज जो है हल्दी काटा हुआ है यहाँ पे अम्मा लोगों के साथ। आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।